शाहरुख खान किस एक्शन थ्रिलर फिल्म से वापसी करने जा रहे हैं और फिल्म की कहानी क्या होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आखिरी बार पर्दे पर फिल्म जीरो में नजर आए सुपरस्टार शाहरुख खान पिछले कुछ समय से अभिनय से कोसों दूर है और उन्होंने इस दौर का भरपूर आनंद भी लिया है। हालांकि कथित तौर पर शाहरुख खान ने राजनीति मोरू और कृष्णा डीके की आने वाली बड़े बजट की कॉमिक एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए हामी भर दी है। जी हां, राज और डीके इस फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं, जो इससे पहले गो गोवा गोन और स्त्री जैसी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान को इस फिल्म की स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई है और उन्होंने इस एक्शन फिल्म को साइन भी कर लिया है, जिसकी शूटिंग के शुरू होने की संभावना अगले साल बताई जा रही है। वहीं फिल्म में राज और डीके के ब्रांड की मजेदार शैली कूट कूट कर भरी होगी। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर पहले कभी काम नहीं किया गया। वहीं फिल्म का निर्माण खुद शाहरुख खान करने वाले हैं और इसे भारत और विदेशों के तमाम खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया जाएगा और ये फिल्म 2021 में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों शाहरुख खान टेड टॉक्स इंडिया नई बात में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि वो एक या दो महीने में अपनी अगली फिल्म की घोषणा करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो फिलहाल 2-3 फिल्मों की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि शाहरुख खान यशराज फिल्म्स की धूम 4 में नजर आ सकते हैं, तो एक अफवाह ये भी उड़ी कि अभिनेता क्वेंटिन टारंटिनोस के किल बिल के हिंदी रीमेक में शाहरुख खान अभिनय करने वाले हैं। तो डॉन 3 की तैयारी में लगे होने की भी बात काफी समय तक चर्चाओं में रही, तो वहीं अली अब्बास जफर या फिर राजकुमार हिरानी के साथ भी उनकी फिल्म आने की खबरें जोरों शोरों पर हैं। लेकिन टेड टॉक्स इंडिया नई बात में जब शाहरुख खान से पूछा गया कि आपकी कौन सी फिल्म आ रही है, तो शाहरुख खान ने कहा, मैं कुछ समय लेने की सोच रहा हूँ, मैं 2-3 स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जैसे ही वे तैयार होते हैं मैं भी तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ उनमें से ज्यादातर अभी व्यस्त हैं, ऐसे में इंशाल्लाह मैं खुद ही इसकी घोषणा करूंगा। मेरे ख्याल से तब तक के लिए अफवाहों को उड़ते रहने दीजिए। ये वाकई अच्छा है क्योंकि इनसे मुझे कुछ आइडियाज भी मिले हैं। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।